हेलो फूडीज, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बाउल पिज़्ज़ा, जो एक बहुत ही झटपट रेसिपी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। चलो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। मैदा 3 टेबलस्पून, वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ कैप्सिकम, टमेटो और ऑनियन। साथ में लेंगे टमेटो केचप अराउंड 2 टेबलस्पून, मोजरेला चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, पिज़्ज़ा सीजनिंग जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है, ये अराउंड मैंने लिया 1 टेबलस्पून, योगर्ट यानी दही ये अराउंड 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट, साथ में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। चलो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बाउल में हम मैदा डालेंगे, ये 3 टेबलस्पून मैदा। उसके बाद उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर स्वाद अनुसार। ये हम उसका पिज़्ज़ा का बेस रेडी कर रहे हैं जो हम बेक करेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे योगर्ट यानी दही 1 टेबलस्पून। फिर डालेंगे उसमें ऑयल 1/2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम माइक्रोवेव करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। ये अराउंड 1 से 1.5 मिनट में हमारा बेक हो गया, एकदम सॉफ्ट बनेगा। इसके ऊपर अब हम डालेंगे टमाटो केचप। उसके बाद उसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये ऑप्शनल है। इसके बाद उसमें डालेंगे हमारे सारे वेजिटेबल्स, ऑनियंस। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, हरी शिमला मिर्च। फिर टमाटर, इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ही डालें। और आखिर में प्रोसेस्ड चीज। अब इसको बेक करेंगे अराउंड 2 मिनट के लिए। तो ये 2 मिनट भी नहीं लगा इसको पकने के लिए, मैंने माइक्रोवेव किया है सिर्फ 1.5 मिनट तक और हमारा बाउल पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है। मुझे ज़्यादा चीज़ ही पसंद है ये, इसलिए मैं और भी ज़्यादा चीज़ डालूंगी इस पर। अगर आप चाहे तो डालिए ना, अगर नहीं तो मत डालिए। फिर से इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद हो तो।
तो रेडी है हमारा बाउल पिज़्ज़ा। ये देखा आपने, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये कम से कम टाइम में बन जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर